नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका स्टडी नंदी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में जीएस प्लस जीके के प्रैक्टिस से 10 को डिस्कस करेंगे। दो की ये प्रश्न दोस्तों जीएस के प्रैक्टिस सेट हैं, वो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स, आरआरबी जे के एग्जाम्स और एनटीपीसी के जो एग्जाम्स 2019 में होने वाले हैं उस हेतु बेहद ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इससे पहले मैंने इस चैनल पे जीएस प्लस जीके के प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 9 तक अपलोड कर दिए, तो दोस्तों अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखे तो उन्हें देख लें, ये आपके रेलवे के एग्जाम हेतु बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसके साथ ही आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी स्टडी नंदी का टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक स्टडी नंदी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीएस प्लस जीके के प्रैक्टिस सेट 10 में। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि सितंबर 2018 में किस राज्य में एक बांध का नाम बदलकर अटल सागर बांध रखा गया है। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कुंडालिया बांध का नाम बदलकर अटल सागर बांध रख दिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों हाल ही में सितंबर माह में मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने कुंडालिया बांध, आप नाम याद कर सकते हैं, कुंडालिया बांध का नाम बदल के अटल सागर बांध रख दिया है। यानी इस क्वेश्चन आप इसे याद कर लीजिए, कुंडालिया बांध का नाम बदलकर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा अटल सागर बांध रख दिया गया है, तब इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दो ये जो बांध है वो स्थित है राजगढ़ में काली सिंध नदी पर। इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, जो बांध है अटल सागर बांध है वह स्थित है राजगढ़ में काली सिंध नदी पे, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि इराक में नए राष्ट्रपति किसे चुना गया, आपको बताना है। दोस्तों हाल ही में इराक में नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है बरहम सलीह को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों हाल ही में नए राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों इराक में बरहम सलीह को चुना गया, तब इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इनके साथ एक चीज़ और दोस्तों, इसके साथ इराक के नए प्रधानमंत्री को भी नियुक्त किया गया, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था अदेल अब्दुल मेहंदी। तो आप दोनों के लोगों का नाम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में बरहम सलीह को नियुक्त किया गया था, साथ ही इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों अदेल अब्दुल मेहंदी को चुना गया है, तो आपको दोनों लोगों का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, युद्धाभ्यास 2018 का आयोजन स्थल दोस्तों आपको बताना है कि कहाँ, जो युद्धाभ्यास 2018 का आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो हुआ था दोस्तों चौबटिया जो कि उत्तराखंड में, वहाँ पे इस बार युद्धाभ्यास 2018 का आयोजन किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों हाल ही में वर्ष 2018 में दोस्तों युद्धाभ्यास जो है हुआ था, युद्धाभ्यास 2018 उसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था चौबटिया उत्तराखंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं ये जो युद्धाभ्यास है वो एक प्रकार का युद्धाभ्यास है, जो सैन्य अभ्यास है जो दोनों भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य किया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। जो युद्धाभ्यास है दोस्तों वो भारत और अमेरिका के मध्य किया जाता है, अब इसे भी याद कर लीजिएगा। तथा इस बार का जो संस्करण था, इस बार का जो युद्धाभ्यास 2018 हुआ था वो हुआ था, इस बार का 14वां संस्करण आयोजित किया गया था उत्तराखंड, चौबटिया उत्तराखंड में, तब इसे याद कर लीजिएगा, इस बार का 14वां संस्करण आयोजित किया गया था। हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में भारत ने द्विस्तरीय प्रतिरक्षा बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है पृथ्वी रक्षा यान का सफलतापूर्वक परीक्षण कब किया है, आपको डेट बतानी है दोस्तों। तो डेट ये थी 23 सितंबर वर्ष 2018, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों हाल ही में भारत ने पृथ्वी रक्षा नामक द्विस्तरीय प्रतिरक्षा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था 23 सितंबर वर्ष 2018 को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। तथा दोस्तों एक चीज़ और, यह परीक्षण कहाँ से किया गया था, दोस्तों यह परीक्षण किया गया था उड़ीसा स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से, इसे याद कर लीजिएगा, उड़ीसा स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से दोस्तों पृथ्वी रक्षा यान नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था 23 सितंबर वर्ष 2018 को, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जहाँ से परीक्षण किया गया है उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो अब्दुल कलाम द्वीप से जहाँ से इसका परीक्षण किया गया है इसका पुराना नाम क्या था। दोस्तों आपको बताएं किसका नाम बदल के, किस द्वीप का नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप किया गया था उड़ीसा में, आपको उसका नाम बताना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है। दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अपनी विधानसभा में यह विधेयक पेश किया है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में जो उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उसने दोस्तों ऐसा विधेयक पेश किया अपने विधानसभा में कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए, तब इसे याद कर लीजिएगा, उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा यह विधेयक पेश किया गया उसकी विधानसभा में को गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए। यह कब किया गया था, डेट भी याद कर सकते हैं, 20 सितंबर दोस्तों 2018 को, तब डेट जरूर याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि 18वां एशियाई खेल जो हाल ही में संपन्न हुए हैं दोस्तों, आपको बताएं कि उसमें भारत की, हमारे देश भारत की कौन सी रैंक थी, आपको बताने दोस्तों 18वें एशियाई खेल में हमारे देश जो भारत है उसकी रैंक थी 8वीं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो 18वें एशियाई खेल संपन्न हुए उसमें भारत की जो रैंक थी वो थी 8वीं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा एक चीज़ है दोस्तों, पहले स्थान पर कौन देश रहा था दोस्तों, पहले स्थान पर चीन रहा है, दूसरे स्थान पे जापान रहा है, तीसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया, चौथे स्थान पे इंडोनेशिया और पांचवें स्थान पे उज्बेकिस्तान रहा है। तो दोस्तों आपको ऊपर के पांच कंट्री याद रखने हैं, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि एशियाई खेल में पहले नंबर पे कौन था या दूसरे नंबर पे कौन था। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पहले नंबर पर चीन था, दूसरे नंबर पर जापान था, तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया और पांचवें नंबर पर उज्बेकिस्तान कंट्री थी। तथा हमारे जो देश भारत है उसकी जो रैंकिंग थी एशियाई खेलों में इस बार की वो थी 18वीं, तो आप आठवीं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी, आपको उस गवर्नर जनरल या वायसराय का नाम बताना दोस्तों। इस प्रश्न में थोड़ा सा ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन से वो गवर्नर जनरल दोस्तों, ऑप्शन पे आपको आप निगलेक्ट कर दीजिएगा। एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कार्नवालिस दोस्तों, लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में दोस्तों भारत में भारतीय सिविल सेवा का प्रारंभ किया गया था दोस्तों। आपको बता दो लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है, इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। जो लॉर्ड कार्नवालिस थे उनको भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है, तब इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा एक चीज़ और दोस्तों, लॉर्ड कार्नवालिस को दोस्तों भारतीय पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का तथा भारत में पुलिस सेवा दोनों का जन्मदाता कहा जाता है। तथा लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा ही दोस्तों भारत में अस्थाई बंदोबस्त को प्रारंभ किया गया था, आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है लॉर्ड कार्नवालिस से संबंधित। तथा एक चीज़ और दोस्तों, लॉर्ड कार्नवालिस की जो कब्र है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। जो लॉर्ड कार्नवालिस हैं उनकी जो कब्र है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। तथा एक चीज़ और दोस्तों आपको याद रखनी है कि दोस्तों इनके द्वारा जो भारतीय सिविल सेवा को प्रारंभ किया गया था, तो आपको बताना है कि दोस्तों वह कौन से पहले भारतीय थे जो भारतीय सिविल सेवा को क्रैक किया था, भारतीय सिविल सेवा को पास किया था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कि वह कौन से भारतीय थे हमारे जिन्होंने पहली बार भारतीय सिविल सेवा को क्रैक किया था या पास किया था, उनका आप नाम बताएं कमेंट बॉक्स में, आप जरूर बताएं। हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित जायसवाल और देखिए इस YouTube चैनल के अलावा मैं अनअकैडमी भी पढ़ाता हूं, तो वहां पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए तकरीबन 60 से 90 लेसन्स प्रति महीने मैं वहां पे बनाता हूं और अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए मैं लगातार लेसन्स बना रहा हूं, जैसे RRB हमारा NTPC का है, RRB JEE का है, लेवल 1 2019 के एग्जामिनेशन के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए। देखिए ये सब क्वेश्चन देखिए बायोलॉजी के है, रीजनिंग के 250 क्वेश्चन है, विज्ञान के 600 क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं, मैथ के लिए देखिए मैंने कोर्स बनाया है, संविधान के लिए आप देख सकते हैं, बायोलॉजी से इंडियन ज्योग्राफी का और देखिए संविधान के 500 MCQ, ये सभी आपके आने वाले RRB 2019 रेलवे का जो भी एग्जाम होगा 2019 सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी का लिंक आपको डायरेक्टली नीचे मिल जाएगा, वहां से भी जा सकते हैं, नहीं तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करके सिंपली उनका लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी सभी के सभी लेसंस का फायदा उठा सकते हैं। इन सभी लेसंस को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा आपके अपकमिंग रेलवे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, नहीं तो मैं डायरेक्टली लिंक दूंगा, आप सभी इन सभी लेसंस को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 134A है वह प्रावधान तथा सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र का, दोस्तों इसका संबंध किससे है आपको बताना है दोस्तों। आर्टिकल 134 का जो प्रबंध करता है सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए, तो इसका जो संबंध वो केंद्र सरकार के लिए, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। जो आर्टिकल हमारा 134A है वो कहता है सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र का प्रावधान करता है आर्टिकल 134A, जिसका संबंध दोस्तों केंद्र सरकार से है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, आपको बताना दोस्तों। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो कितने राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं दोस्तों। टोटल 12 राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया जाता है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में टोटल दोस्तों 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं या मनोनीत कर सकते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा एक चीज़ है दोस्तों, आपको बता दो राज्यसभा में जो टोटल सदस्यों की जो संख्या होती है वो 250 होती है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य 250 में दोस्तों 12 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा दोस्तों आपको बता दो, यह जो प्रावधान है वो आर्टिकल 80 के तहत किया गया है। आर्टिकल 80 ऐसा कहता है, अनुच्छेद 80 कहता है दोस्तों राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट।
दोस्तों राज्यसभा से संबंधित एक और तथ्य आप बता सकता हूँ, जो राज्यसभा है दोस्तों, राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सभापति होते हैं। तथा वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी, प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के सभापति हैं, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि जो समुद्र में गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं चलती हैं उनके चलने का आपको कारण बताना है, कि दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा कारण है जिनके कारण समुद्र में दोस्तों गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं चलती हैं। तो दोस्तों उपयुक्त दिए गए सभी ऑप्शन सही, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल से ऑल ऑफ दीज। दोस्तों समुद्र में ठंडी और गर्म जल धाराओं के चलने का कारण होता है प्रचलित जो हवाएं होती हैं, जैसे प्रचलित हवाओं के कारण समुद्र में दोस्तों गर्म और ठंडी जल धाराएं चलती हैं। उसके बाद दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दोस्तों समुद्र में गर्म और ठंडी जल धाराएं चलती हैं। तथा उसके बाद दोस्तों समुद्र जल के घनत्व में डेंसिटी में परिवर्तन के कारण दोस्तों समुद्र में ठंडी और गर्म जल धाराएं चलती हैं। तो आपको इतनी चीज़ें, इतने कारण याद रखने, इन तीन कारणों के कारण दोस्तों समुद्र में गर्म और ठंडी समुद्री जल धाराएं चलती हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि जो भौतिक मात्रा है जिसका नाम है धारिता, या इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस होता है, उसको मापने की इकाई आपको बताना है कि जो कैपेसिटेंस है या धारिता है उसको किसके द्वारा मापा जाता है। दोस्तों जो धारिता होती है, जो कैपेसिटेंस होता है, उसको फैराडे के द्वारा इकाई, उसको मापने की इकाई होती है फैराडे, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों, फैराडे के द्वारा कैपेसिटेंस या धारिता को मापा जाता है, तब इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एक तोप का गोला दागा जाता है, तो इस गोले की जो गति है वो किस प्रकार के गति का उदाहरण है, आपको दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो दोस्तों यह जो गोले की गति है दोस्तों, ये गोले की गति जो है उदाहरण है प्रक्षेप गति, या क्वेश्चन ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल से प्रोजेक्टाइल मोशन है, हिंदी में कहें तो प्रक्षेप गति का उदाहरण जो गोला करता है। मान लीजिए दोस्तों गोले का जो एक तोप का गोला जो दागा जाता है, जो गोले में गति होती है वो उदाहरण होती है, वो एग्जांपल होती है प्रोजेक्टाइल मोशन है, हिंदी में कहें तो प्रक्षेप गति का, तब इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आपको बताना है जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर दिए गए ऑप्शनों में से निर्भर करती है, आपको सही ऑप्शन बताना है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, गतिशील पिंड के वेग तथा भाव दोनों पर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, गतिशील पिंड के वेग तथा भाव दोनों पे दोस्तों गतिज ऊर्जा किसी पिंड की निर्भर करती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किसी पिंड का जो वजन होता है पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है, पृथ्वी के सेंटर में कितना का होता है किसी पिंड का वजन, आपको बताना है दोस्तों, किसी पिंड का जो वजन होता है पृथ्वी के केंद्र में शून्य होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, पृथ्वी का जो वजन होता है दोस्तों वो किसी पृथ्वी का वजन होता है पृथ्वी के केंद्र सॉरी किसी पिंड का जो वजन होता है वो पृथ्वी के केंद्र में शून्य होता है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो आपको बताओ जो भूमध्य रेखा पे दोस्तों किसी पिंड का जो वजन सबसे कम होता है तथा ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है, आप इसे याद कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, ध्रुवों पे किसी पिंड का वेट सबसे अधिक होता है तथा फिर उससे कम होता है दोस्तों, भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है तथा केंद्र में आप जाते हैं पृथ्वी के केंद्र में किसी पिंड का भार एकदम शून्य हो जाता है। तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, सबसे अधिक कब होता है तो ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है किसी पिंड का भी, सबसे कम कहाँ होता है तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है किसी पिंड का भार होता है। उसके बाद दोस्तों शून्य कब होता है तो शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र में किसी पिंड का भार, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है अचानक से तो दोस्तों शरीर के भार में क्या परिवर्तन आएगा, शरीर के वजन में क्या परिवर्तन आएगा, आपको बताना है दोस्तों। यदि किसी पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो जो शरीर का वेट होता है, जो वजन होता है वो घट जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है दोस्तों, जो शरीर का जो वजन होता है वो घट जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो दोस्तों उस बर्तन में का जो पानी का स्तर में क्या परिवर्तन होगा, आपको बताना है। तो दोस्तों मान लीजिए कोई बर्तन है दोस्तों, उसमें पानी भरा हुआ था तो उसमें एक बर्फ भी तैर रही है, मान लीजिए बर्फ पिघल जाती है तो उसका जो स्तर है पानी का उसमें क्या परिवर्तन होगा, आपको बताना है दोस्तों। पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, डज नॉट चेंज, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बर्फ पिघलती है दोस्तों, जो पानी का स्तर होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है कैसा कहता है दोस्तों, मान लीजिए कोई वस्तु होती है वो अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरती है, मान लीजिए कोई कोई वस्तु है दोस्तों पानी में तैर रही है तो उसका जितना भार होगा उतना ही
पानी वो हटाए किस द्रव में स्थान घेरती है, मान लीजिए बर्फ है दोस्तों तो तैर रहे दोस्तों द्रव में उतना ही स्थान घेरे कि जितने जितना उसका वजन होता है दोस्तों, जब वो पिघल जाती है तो इसी कारण वो उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जल का सेम टू सेम बना रहता है, यही कारण है। तो आप इसे याद कर लीजिए, इसका कारण क्या था, आर्किमिडीज का सिद्धांत इसका कारण है। हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है, आपको बताना है। मान लीजिए कोई ताजा अंडा है उसको नमक के पानी में डालते हैं तो अंडे में क्या परिवर्तन आता है, दिया गया ऑप्शन में से आपको बताना है। तो दोस्तों अंडा तैरता रहता है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। एक ताजे अंडे को दोस्तों नमक के पानी में डालने पर अंडा पानी में तैरता रहता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं, आपको दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शनों में से जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो दोस्तों त्वचा को हमारी स्किन को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अल्ट्रावायलेट रेज हमारी त्वचा को हमारी स्किन को बहुत ही अधिक नुकसान पहुँचाती हैं, तब इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है, आपको बताना दोस्तों। जो ब्यूफोर्ट स्केल या ब्यूफोर्ट पैमाना होता है उसके द्वारा दिए गए ऑप्शनों में से क्या मापा जाता है, आपको उसका नाम बताना दोस्तों। जो ब्यूफोर्ट फार्मूला जो पैमाना होता है उसके द्वारा दोस्तों वेलोसिटी ऑफ विंड, हिंदी में कहें तो हवा की गति को मापा जाता है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। विंड की वेलोसिटी या हिंदी में कहें तो हवा की गति को दोस्तों ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा मापा जाता था। इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी किसके द्वारा, फ्रांसिस ब्यूफोर्ट के द्वारा 1805 में, आप याद कर सकते हैं फ्रांसिस ब्यूफोर्ट के द्वारा दोस्तों इसकी खोज हुई थी 1805 ईस्वी में। अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न सेशन का दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघातिक बैग कहा जाता है, आपको दिए गए ऑप्शनों में से बताना है दोस्तों। लाइसोसोम जो होती है उसको आत्मघाती बैग के नाम से भी जाना जाता है, या कहें दोस्तों इसको आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। लाइसोसोम को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्मघाती बैग के नाम से भी जाना जाता है, तब इसे भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक चीज़ और दोस्तों, जो लाइसोसोम है उसकी जो खोज की थी वो की थी क्रिश्चियन डी डुबे ने, आप इसे याद कर सकते हैं, इसकी खोज क्रिश्चियन डी डुबे के तरह से लाइसोसोम की खोज की गई थी, आपको इतनी चीज़ें याद रखनी दोस्तों। ये 20 प्रश्न जो कि जीएस के प्रैक्टिस सेट 20 से संबंधित है, आप इन प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिएगा। ये आपके रेलवे के जो एग्जाम्स होने वाले हैं ग्रुप डी के, आरआरबी जेई के और रेलवे एनटीपीसी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं 2019 के, उससे तो ये प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो इस पर एक लाइक आप जरूर कर दिया करें। इसके साथ दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।